वीरेंद्र जी, जिस प्रकार पहले बड़े हवेलियों में होता था, हवेली ताई पाई बिल्कुल उसका जैसे दरवाजे थे, सेम है ये मेन गेट है मेरा। मेन गेट में मैं इसको आधे को खोले रखता हूँ और आधा ये बंद रहता है, दोनों इसमें भी लोग इसी प्रकार हैं। इसकी ये जो जाली लग रही है ये कोई ये जाली है, जाली का ये खुल जाती है ऐसे, ये देखिए ये जाली खुल गई। अच्छा, अंदर आने का भी वो है, अंदर आने का इसी में सिस्टम है, देखो ये भी खुल गए, दो जाली है इसके, ये बंद भी हो जाए, लोक है, लोक है इनका भी, साथियों आज की वीडियो खास रूप से मकान के ऊपर, घर के ऊपर बना रहे हैं कि कोई भी आदमी घर बनावा तो के कुछ ध्यान रखना चाहिए, कि आज के ज़माने में हर कोई घर बनावा तो अपना ब्योत ज़्यादा खर्चा करे, ये चाहवे कि उसकी औलाद नहीं, उसकी आगे औलाद की औलाद भी इसी मकान में गुजर बसर करे, तो दादा लेवर पोता बढ़ता ईसा करना चाहवे, जिसका ब्योत है उस ब्योत बढ़ के काम करें। तो मेरे साथ है मास्टर रामनिवास जी, इन्होंने अभी अभी मकान बनाया, इसके मकान में मैंने एक खास चीज़ देखी, खिड़की और दरवाजे, कि मकान की जो शोभा है खिड़की दरवाजे अंगला बद है, इसकी खिड़की और दरवाजे मैंने कुछ अलग लागे, तो इसी पर आज बात करांगे। पहला के ज़माने में जब बेली बनाए करते, बड़ी बड़ी बेली चिने करते गामा में, तो उसमें लकड़ी की चखैट होए करती, लकड़ी की खिड़की होए करती, लकड़ी के दरवाजे होए करते, बेली जो पुरानी थी, हाँ, थोड़ी, थोड़ी थोड़ी अपनी जान में बिल्कुल, तो उनमें लकड़ी का काम होए करता, लकड़ी की होती थी जो काफी भारी भी होती थी, मोटी भी होती थी। तो लकड़ी का जो आज के जमाने में देखा कि गुण लग जाए, डिमक लग जाए, पानी से भी खराब हो जाए, लकड़ी का तो लगभग प्रयोग करना बंद कर गया। नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। तो वीरेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि मकान बनाने के लिए आज जो नए मकान बन रहे हैं वो सभी के सभी मोस्टली गांव से बाहर या नई ज़मीन में बनाए जाते हैं, और जो नई ज़मीन में बनाए जाते हैं वहां पर विशेष तौर पर दीमक और गुण, जिसे हम बोल देते हैं, इनका बड़ा प्रकोप रहता है। तो मैंने अपना जब मकान बनाया, मकान बनाने से पहले बहुत जगह सर्च किया और देखा कि किस प्रकार के जो दरवाजे हैं वो इसके लिए बेटर रहेंगे, तो मैं लकड़ी वालों के पास भी गया, लकड़ी वालों का जो मैंने एस्टीमेट था वो बनवाया, उसके बाद जो ये जापानी दूसरे प्रकार की खिड़की आई हुई है उनका देखा, तो उसके बाद फिर मेरे किसी एक मित्र ने बताया कि वहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी की और पुराने तरीके की तरह, जिस प्रकार मोटे भी हैं दरवाजे और नई टेक्नोलॉजी की, हाँ पुराने वेली वाला वही सेम है और लेकिन मोटा भी है, और साथ में जैसे हम जो चौखट है, चौखट का अलग से खरीद के लाते हैं, लेकिन चौखट समेत दरवाजे आते हैं। और आप वहाँ चलिए, तो मैं वहाँ गया, मैंने लक्ष्मी स्टील के नाम से कैथल में एक शोरूम है, मैंने वहाँ पर विजिट की, विजिट करके जैसे दरवाजे देखे तो दरवाजे पहली बार में मुझे पसंद आ गए, और उनमें क्या है कि न तो वो वाटरप्रूफ भी हैं और सन प्रूफ भी हैं, मतलब जिस प्रकार धूप है, धूप का भी उस पर कोई असर नहीं है, फेड हो जाए या पपड़ी पुपड़ी पैट बिल्कुल ना पपड़ी है, और जिस प्रकार जो उसके पेंट लगा हुआ है वो पेंट भी ताऊ में रहेगा लगभग, पेंट का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो मैंने जब उनको देखा, देखते मुझे पसंद आ गया कि जो और एस्टीमेट था उस एस्टीमेट में और इसमें लगभग 5,000 रुपये का मतलब अंतर आया, तो मैंने देखा कि 5,000 रुपये को ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जब बनाना है तो मतलब मकान कोई बात नहीं भाई, 12-15 मेरे चौखट लगी है, 60-70,000 रुपये का अंतर। मास्टर जी, कोई भी मकान बनावा, चाहे बना लिया है या बनाने लग रहा है जी, जो नई चीज़ देखा नहीं वो हो या चीज़ में भी प्रयोग कर लंदा दे थोड़ी सी आवा, क्योंकि जापानी चौखट आएगी थी इनका यूज था वह जर कौन लगता, ये भी जर पकड़ने लगी, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है कि जर की समस्या है, गुण की समस्या, इन समस्याओं से परेशान है जी। तो ये जो है क्या कुछ लाइफ है इसकी के कुछ बताया गया? इसकी लाइफ लगभग बहुत बड़ी है, किसी प्रकार की मैंने पानी में भी इनको भिगो के देखा, देखा भाई कुछ असर पड़ेगा, तो देखिए ये यहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ भी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत बढ़िया लग रहा है। एकदम से जैसे ही मकान तैयार किया, ना आपने चौखट लगानी, इसकी जगह छोड़ देनी, अगले वो खुद विजिट करते हैं, उनके इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर आके खुद फिट करके, हाँ खुद विजिट करेंगे और विजिट करके ये कहेंगे इस साइज का दरवाजा छोड़ना, और इस जो जब आपने छोड़ दिया तो जब आपने ऑर्डर कर दिया कि मेरा मतलब जो मकान है वो तैयार है, तो फिर वो खुद आएंगे, इंजीनियर आएंगे, उसको फिट करके जाएंगे, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो मैं खुश हूँ कि मैंने अपना मकान बनाया और एकदम से तैयार हो गया,
और इसमें जो ये दरवाजे हैं, दरवाजे लगाकर, दरवाजे बहुत ज्यादा खेल करता है मकान का, जैसे दरवाजे लगा बिल्कुल खुश बढ़ने था बड़ा आदमी कोई भी आएगा कहकर मन खुश हो जाए, पीसा ला रखे आदमी ने चीज सुथरी बनाया बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी साथी आते हैं मेरे, जितने भी यार प्यारे मित्र आते हैं, वो आगे कहते हैं दरवाजे कहाँ से लाए, मैं कहता हूँ दरवाजे भाई आप देखो। मैं भी पहली बार आया, मैंने देखा भाई यू चीज तो पहली बार देखी है गामा में, अपने कस्बिया में, अपने गामा में जो चीज लोकल में मिल जाए नहीं वही चीज प्रयोग करना शुरू कर दे लोग, क्योंकि अपना इतना ज्यादा वो नहीं है कि दिल्ली जाऊंगे या चंडीगढ़ जाऊंगे वहां से खरीद के लाऊंगे, लोकली जो कुछ मिल जाए तो लोकली पहले लकड़ी की चौखट होई कर दी, फिर ये जापानी चौखट आएगी ये लगाने लगे। तो यहाँ पर कैथल में ही है इसकी शॉप, कैथल में ही है लक्ष्मी स्टील के नाम से, जो अपना सर छोटू राम जी का बड़ा चौक है, सर छोटू राम उससे थोड़ा सा आगे चल के लेफ्ट साइड है। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जिस प्रकार जितने भी यार प्यारे मित्र वो सभी ये कहते हैं भैया बहुत बढ़िया, क्योंकि अपना 6-7 हज़ार घरों का गांव है अपना, पाई गांव है जो, इसमें किसी के भी ये दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। तो पहली बार मैंने मतलब इसका शुरुआत की है, और जितने लोग आते हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं, पूछ के जा रहे हैं, एड्रेस लेके जा रहे हैं, बोले बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया भाई जी। तो साथियों देख सको कि मास्टर रामनिवास जी ने बहुत अच्छे दरवाजे खिड़की लगाए हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगे कि इस तरह के खिड़की दरवाजे की जो बिल्डिंग बनावा, जो घर बनावा, जो मकान बनावा, उसकी शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो कैथल में बताया तो वहाँ भी चलांगे, बात करांगे कि कुछ अलग है इस खिड़की दरवाजे में, क्योंकि अगर आप मकान बनाने लग रहे हो, बनाने की सोच रहे हो या बना भी लिया है, आप देखियो कि के कुछ अंतर है, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ करा है, कोई भी पीसा लावा है, बाद में पछताना नहीं पड़े वह ओहो या चीज़ और होंगी नहीं मार, अगर बहुत बढ़िया हो जाता। तो साथियों बहुत बढ़िया चीज़ है ये, एक बार देखियो ज़रूर, मैं उस दुकान पर भी जाकर देख आऊँगा, अगर आप मकान बनाने लग रहे हो नहीं, मकान बनाने से पहले यह चीज़ ज़रूर देखियो जी। साथियों तो पहुंच चुके हैं कैथल के उस शोरूम पर, जहां पर आपको दिल्ली से ख़रीदने वाली खिड़की और दरवाजे यहां कैथल की कैथल में मिल सकते हैं। तो ये जो शोरूम है आपको बता दें कि कैथल में बस स्टैंड के पास जो छोटू राम चौक है, उस छोटू राम चौक से थोड़ा सा अगर शहर की तरफ चलोगे तो 5-7 दुकान छोड़ के ही ये शोरूम है, बिल्कुल हनुमान वाटिका के सामने शोरूम है। तो यहाँ पर धर्मवीर भाई से बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी भाई साहब। धर्मवीर भाई के कहोगे कि सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतनी अच्छी चीज़ आपने अपना इस लोकल शहर में शुरू कर दी है, क्योंकि बड़े बड़े जो मकान बनाए थे वो अपनी अच्छी चीज़ों खरीदने के लिए दिल्ली या बड़े शहरों में जाकर, तो यहाँ लोकल शहर में मिलेंगी। तो के कहोगे कि अपना जो पहला मकान बनाए कर दे, बेली बनाए कर दे, उनमें लाकड़ियाँ की चुखैट होई कर दी, उसमें दिक्कत आने लगी, डिमक की गुण लग जाए, बारिश में भी ख़राब हो जाए, फिर ये जापानी चौखट आई इन कह कर दे इनमें जर कौन लगता है, इन्हें भी जर पकड़ने लगी। तो लोगों ने विश्वास कुकर हुआ भाई कोई इसी चीज़ हो जिसने दादा लेवर पोता बरता भाई, अपनी पोत्या लग की बिल्डिंग बनाकर जावा भी, जिस मकान नाम बनाओ उसमें पोते लग बस हैं ठीक ढंग से, तो अपनी जो चौखट है दिखने में तो सुथरी है ये, तो इनमें के कुछ क्वालिटी है, क्या तो ये बनी हुई है और के चीज़ है जिस तरह ये जंग नहीं पकड़ती। सर ये जिंक अलॉय प्रोडक्ट होता है हमारा जो रस्ट प्रूफ होता है, इसमें जिंक और अलॉय की मात्रा एक्स्ट्रा होती है जिससे जंग की जो समस्या है ही नहीं इसमें 1% भी सारी उम्र। और जो ये है इसमें जो हमारा पल्ला है ना, पहले हमारी क्या सोच होती थी कि लकड़ी का बना के लकड़ी का पल्ला लेंगे, फिर जापानी आई उसमें भी लकड़ी का पल्ला, तो हमने सोचा क्योंकि प्रॉब्लम आती थी इसमें लकड़ी वाली चौखट में लगती थी डिमक, उसके बाद प्रोडक्ट ख़राब, जापानी वाली में लगाने लग गए हम लकड़ी के, उनमें वो फिटिंग नहीं बन पा रही थी, लटक जाए थे, फूल जाए थे, या पानी में टाइट पानी लग दे टाइट हो जाए थे, लूज़ हो जाते। इसमें हमने जो पल्ला है वो भी सेम मटेरियल का ही तैयार किया, जिंक अलॉय शीट का ही। इसमें जो अपना प्रोडक्ट है इसमें चौखट, पल्ला, कब्जे, हैंडल, लॉक, पेंट सब हम कंप्लीट देते हैं, 5 साल की गारंटी हार्डवेयर की, पेंट की लाइफ टाइम गारंटी है। पल्ला 3 इंच मोटाई होती है, लगभग 70 mm, जिसमें साउंड प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, हीट रेसिस्टेंस है, फायर रेसिस्टेंस है, अनब्रेकेबल हमारा दरवाज़ा। सबसे मेन क्या है, अब हम घर में रह रहे हैं ना, सिक्योरिटी ज़रूरी होती है हमें, भाई सिक्योरिटी है कि नहीं, कल ने को दो चोर बढ़ जाएगा, अगर दो लात मार दे तो टूट जाते। इसमें हमारा गेट की हम गारंटी दे सकते, थोड़ा लेके लग जाओ तब भी नहीं टूटेगा, ये अनब्रेकेबल है सर हमारा डोर। और दादा लेवे पोते बरते वाली बात है जी, 100 साल तक भी इस पल्ले का कुछ नहीं बिगड़ता, आप चाहे 10 बार मकान बना लो 100 साल में, तोड़ेगा दोबारा रेनोवेट करो, करो इसको उतारो दोबारा लगा लो, उतारो दोबारा लगा लो, ये नहीं अभी खराब हो जाएगा बार बार। तो मतलब जो ये दरवाजे खिड़की है ना, आप यहाँ आपके खुद इंजीनियर जाओगे वो खुद लगाए कहोगे? हाँ जी, इसमें क्या है, पहले हम जाते हैं साइट पे, जब चौखट लगती है ना उस टाइम चौखट नहीं लगानी है, आपने हमसे बात करनी है,
मतलब जो कोई बिल्डिंग बना हुआ है उनसे आप बात करोगे कड़ा के ये चीज लागनी है कितने साइज की लागनी है का आप मतलब पूरा ठेका लेंगे पूरा उसका कंप्लीट लेंगे भी उसमें साइज वगैरह हम तैयार कराते हैं हम लेकर जाएंगे खुद ही फिट करके आते हैं इंस्टॉलेशन हमारी होती है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन सब कुछ हम लेते हैं। तो एक चीज हो रहा है लोकल लोगों के दिमाग में कि आप जैसे कई गाम दुकानों है वह गामा ने छोड़ के शहर में तो ले आवा चीज की उठा कई दुकानों है एक चीज की ताकि कंपटीशन में उनकी सस्ती चीज मिल सके कि दिल्ली पर बड़े शहर में तो ले आवेंगे नहीं उठा कई दुकान मिलेंगे कई शोरूम मिलेंगे तो वहाँ कंपटीशन में सस्ता मिलेगा भाई लोकल शहर है एक को शोरूम कर कदे युवा न कैट ले उठा एक टेम्पू का या गाड़ी का बाड़ा लागा फल तो उठ तो ले आवेंगे ये दिमाग में हो लोगों के। लेकिन आप क्या कहोगे कि रेट राट में कितना के कुछ फर्क है? रेट का ऐसा है सर इसमें क्वालिटी आती है बहुत सारी लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता जो हमारा प्रोडक्ट है ना हम हमारे से सस्ता पूरे इंडिया में नहीं दे सकता कोई भी पूरे इंडिया से सस्ते रेट हमारे। और फिर लोकल में रहना है तो लोकल की शर्म भी करनी पड़ेगी भी अलाना भी आना रहना तो यही है ना कहाँ जाओगे ये तो है नहीं भी एक साल खतरे या शोरूम करे एक साल में बेचे कोई प्रोडक्ट ही सायर फिर बैठ गए ना ना ऐसा कुछ नहीं है जी पूरे इंडिया की गारंटी दे हमारे रेट की तो हमारे तक सस्ता कोई नहीं दे सकता जी। तो अगर कोई जान प्रियाण का भी भाई आ जाके करें 10-20 और नरमाई हो है अपना चैनल देख का वा 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 उस भाई ने कहा था उस भाई तो देख का आया हम ना ना वो तो मन सम्मान रखेंगे जी आपका भी जो भी आपके चैनल ने देख के सब्सक्राइब करके आवेगा उन्हें 10% एक्स्ट्रा देंगे हम डिस्काउंट जी। तो देखियो भाई ने यूँ कहा कि 10% एक्स्ट्रा ग्रामीण भूमि के नाम पर जो भी भाई आओगा ग्रामीण भूमि के वीडियो ने देख के जो भी आओगा तो उसका भी मान सम्मान जरूर कराया जाएगा। तो साथियों वीडियो ने शेयर जरूर करियो जो भी भाई मकान बनाना चाहे ये चाहे आज के टाइम में कि उसकी औलाद नहीं उसकी औलाद की औलाद भी उस मकान में ठीक ढंग तरह है कि हर कोई अपने मकान को सुंदर बनाना चाहे तो सुंदरता बनाए खिड़की और दरवाजे तय और हर कोई अच्छे से अच्छे खिड़की दरवाजे लाना चाहे लेकिन हमारे लोकल शहरा में नहीं मिले थी ये चीज़ और दूर कोई जाना नहीं चाहो था जो कुछ लोकल में मिलगी लाकड़ी की मिलगी या जापानी चौखट मिलगी वहीं लगा लें थे लेकिन ये जो चौखट हैं बहुत सुंदर लगाए जो भाई एक बार देखना चाहे मिलना चाहे बरतना चाहे तो ये भाई धर्मवीर का नीचे नंबर है इनसे संपर्क कर सके कैथल में हनुमान वाटिका के सामने है बिल्कुल छोटू राम चौक के पास कोई अंदर नहीं बढ़ना आपने ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो एक बार आइए और इनसे मिलिए और साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो भी मकान बनाना लग रहे हैं बनाना चाहें अपने घर में अच्छी चीज़ लाना चाहें उन तक यू मैसेज जरूर पहुंचाए और वो संपर्क कर सकें। जय हिंद जय भारत।